अभी अटक गया ऐसा लगता है ना, वो एक बार वहाँ पहुँच के बाद फंस गया है, वो उसी रेंज में घूम रहा बहुत दिनों से। हालांकि इनकी कॉस्ट काफ़ी नीचे 650 है, तो क्या ये और एवरेज करें क्या? नहीं, यहाँ पे तो जैसे मैंने बोला, नया अभी कुछ ना करें, इसके लिए भी इनके लिए भी यही राय रहेगी। और देखिए, जब इतना बड़ा हाथी है और भागा है, एक मैराथन 60-65 रुपए से भागा है और 1,000 रुपए तक गया है, तो थोड़ा तो सुस्ताएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक सब जगह अगर 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 ज्यादा करेक्ट अगर ज्यादा मंदी नहीं है तो भी आई थिंक हर जगह एक जेन्युइन हेल्दी टेक्निकल करेक्शन आना जरूरी है, बाजार की ओवरऑल सेटअप्स को भी अच्छा बने रहने के लिए। तो आई थिंक वही कर रहा है। आई थिंक 3-6 महीने, मुझे लगता है कि जब तक 1,050 के ऊपर जाता नहीं है टाटा मोटर्स, 3-6 महीने एक ब्रॉड रेंज बनेगी, 825 से लेके तकरीबन यही 1,000 रुपए के बीच में आई थिंक एक रेंज बननी चाहिए। अगर ज्यादा अगर 200 दिन का एवरेज नहीं तोड़ रहा है तो ये इसकी रेंज रहनी चाहिए। 3-6 महीने इस रेंज में समय बिताएगा, फिर नया इनर्शिया, नया